तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, और जैसा कि मैंने बनाया था, हम एक सेटअप बना रहे हैं जैसे कि आप देखिए। और ये सेटअप कुछ लोग हैं, उन्होंने बोला कि भैया ये डॉग के बच्चों के लिए है, पपीज के लिए है। तो पपीज में ऐसे ये केज में एक नॉर्मल मतलब सेंस होना चाहिए कि एक पपीज का केज इसमें कैसे होगा, है ना। ये तो वो आराम से तोड़ देंगे, दो मिनट में तोड़ देंगे। तो ये मैंने एक सेटअप बनाया, जैसा आप देख सकते हैं, अच्छे से पूरा दूर से दिखाऊं, ठीक है। तो ये मैंने फैंसी पिजन्स जो है उसके लिए एक ब्रीडिंग अभी नया सेटअप बना रहा हूँ, स्टार्ट किया है। तो बाहर से मैंने अंदर ले आओ, तो बाहर से मैं ये फैंसी पिजन लेके आया हूँ, और सोचा थोड़ा शौक है मेरे को, उड़ाने का इतना शौक नहीं है मेरे को, थोड़ा मतलब सुंदर चीज रखने का शौक है। तो सोचा कुछ फैंसी पिजन्स रखते हैं। अच्छा, लेके जैसे कि आप देखिए, ये है वाइट फैंटल है, ठीक है, और ब्रीडिंग पेयर है। ये है देखिए ब्लैक फैंटल, देखिए मूवमेंट देखिए उसका, ठीक है। ये मेल है, फीमेल है ये, और ये है सिराज। ये दोनों बच्चे हैं, सेमी एडल्ट है, ये रेड वाले सिराज, ठीक है। और ये है हमारा जो सिल्वर सिराज होता है, जो लाहौरी कलर आता है जिसका, ये है। और ये ऊपर बैठी है फीमेल, ये है मेल, और ये है साटिन, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। यह है साटिन, और उसका जोड़ा इधर है, ये देखिए। और ये हमने यहाँ पे जैसे इसका लगाते हैं, यहाँ पे एक सेटअप लगाया है खाने का, जिसमें आपका मूंग है, सनफ्लावर सीड है, और गेहूं है, धान है, मूंग दाल है, ठीक है। और यहाँ पे विमेरल पानी रखा है, ठीक है, आज विमेरल मल्टीविटामिन दिया है। तो और भी सेटअप यहाँ पे पूरा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा, अभी कल आपको दिखाएंगे हमारा इनका ब्रीडिंग प्रोग्रेस, मतलब आते ही इन लोगों ने कैसा ब्रीडिंग प्रोग्रेस इनका, आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ का अपडेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये है हमारा नया सेटअप, तो आपको कैसा लगा तो आप ज़रूर बताएं। इनका मेंटेनेंस भी आपको दिखाएंगे धीरे धीरे, हमको पहले थोड़ा, जैसे डॉग्स में हमको हर एक चीज़ में पता है कि हमको क्या देना है क्या नहीं देना है। अभी इसमें हम नए हैं, पहले मैंने रखे थे जब मैं क्लास सिक्स में था, मेरे पास थे 90 तक कबूतर थे, 90 तक मेरे पास कबूतर थे। लेकिन ये फैंसी पिजन मेरा एक मतलब, तब हम लोग क्या था, मतलब एक 200 रुपए में पेयर आता था, 200 में पेयर आता था जो उड़ने वाले कबूतर होते हैं। लेकिन आज के डेट में, मैं वो टाइम में ये फैंसी पिजन खरीदने का मेरा बहुत शौक था, क्योंकि तब पॉकेट में पैसा इतना है नहीं, घर पर अगर बताएंगे घर पर देंगे नहीं, है ना। घर में अगर बताऊंगा कबूतर तो मेरे को कबूतर बनाएंगे, तो उससे अच्छा है हमको थोड़ा खुद के इनकम से हमको कुछ खरीदना है। तो मेरा तो शौक है, यही सब शौक है, ठीक है। आगे हम आपको ब्रीडिंग दिखाएंगे इनका, और इसको एक प्रोफेशन बनाएंगे अच्छे से, इसको डॉग को, और आगे और भी सेटअप आएगा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जितने भी हम, ऐसा नहीं कि इस पर पूरा भर भर के मतलब इतने में रखेंगे, बाहर भी रखेंगे और एक सेटअप भी बनाएंगे कबूतर धीरे धीरे ब्रीडिंग बढ़ने के बाद, ठीक है। अभी जितने हैं उतने में ही हम काम करेंगे, और हर एक ब्रीड में से कुछ कुछ रखना है हमको, जैसे हो गया हमारा जैकोविन, ये सब भी आएगा। तो ये हमारा छोटा सा सेटअप है, तो जैसे कि आप लोगों को बताया था कि पूरा काम चल रहा है, काम कम्प्लीट हो गया, कबूतर भी आ गए, तो अब डेली व्लॉग्स हमारे डॉग्स कबूतर सभी पे आएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, प्यार देना है, ठीक है। प्यार कैसे देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और डेली ब्लॉग आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को अगर आप लोगों को पसंद आता है तो, फिर ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।